वडोदरा के मेहमान बने वैसे केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की मौजूदगी में आज गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें शिमला में आयोजित किए गए वैसे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का वर्चुअल रूप से कार्यक्रम का प्रसारण का आयोजन करने के साथ गरीब लाभार्थियों को उनके लाभ वितरित किए गए। वडोदरा की दो दिवसीय मुलाकात पर आए वैसे केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की मौजूदगी में आज गरीब कल्याण मेले का आयोजन शहर के अकोटा स्थित सर सयाजी नगरग्रह में किया गया था, जहां आज शिमला में आयोजित किए गए प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का वर्चुअल रूप से प्रसारण का आयोजन करते हुए एस जयशंकर के हाथों गरीब कल्याण में उपस्थित वैसे लाभार्थियों को लाभ वितरित किए गए, जिसमें एस जयशंकर का कहना था कि वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व के तहत देश तथा कई चुनौतियों का सामना करने के साथ आगे बढ़ रहा है। अमलित की गई वैसी योजना का लाभ मिलने के कारण गरीब लोगों के जीवन में अमूल्य परिवर्तन भी आया है, जो ये परिवर्तन खुशहाल चेहरे पर स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। गरीब कल्याण मेले सम्मेलन के तहत शिमला में प्रधानमंत्री की उपस्थिति में मुख्य कार्यक्रम का वडोदरा से वर्चुअल रूप से सहभागी होते हुए प्रधानमंत्री ने भी इसकी सराहना की थी। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी के तौर पर उनके अनुभवों को बताते हुए जयशंकर ने बताया था कि सालों पहले उनकी एम्बेसी में फर्ज अदा की गई। भारत आने के बाद उन्हें लगा था कि विदेश में मिलती प्राथमिक सुविधा हमारे देश में कब उपलब्ध होगी। पानी, आरोग्य, बिजली, स्वच्छता, रोजगारी जैसी प्राथमिक सुविधा देने के लिए प्रधानमंत्री ने कई महत्वपूर्ण योजनाएं अमलित की है और उसका सुदृढ़ अमलीकरण भी हो रहा है, जहां अब ये गरीब कल्याण मेले के तहत गरीबों के जीवन धोरण में सुधार होने के साथ नए भारत का निर्माण हो रहा है। वैसी जानकारी केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा दी गई थी, जहां आज 30 करोड़ जनधन के खाता में भारत में इसके खाता खोले गए हैं। जल जीवन मिशन के तहत यूरोपियन यूनियन की बस्ती के मुकाबले 45 करोड़ घर में नल की योजना दी गई है, जहां आज आयोजित किए गए ये कार्यक्रम के तहत एस जयशंकर के हाथों लाभार्थियों को उनके लाभ वितरित किए गए थे। आप सब लोगों ने प्रधानमंत्री जी को तो सुना, अभी इस दिवस पर जो मोदी सरकार के जो 8 साल जो बीत चुकी है, और इसका संदेश जो है बहुत स्ट्रांग, बहुत क्लियर है कि जमाना बदल गया है। अब देश में एक बहुत बड़ी परिवर्तन हो रही है, और ये परिवर्तन जो है ये योजनाओं के माध्यम से हो रही है। और इस योजना, ये योजना जो है, आप, मैंने कुछ अपने भाषण में कुछ आपको आंकड़े दिए, प्रधानमंत्री ने तो और भी दिए आपको, और ये किस तौर पे हो रहा है, जिस स्केल पे हो रहा है, आप समझिए कि देश में अब एक नई ऊर्जा दिखाई दे रही है। और जो भी चुनौती जो सामने आ रही है, जैसे महामारी की थी या किसी कहीं सीमा पे कुछ चुनौती हो या आतंकवाद की चुनौती हो, ये देश कुछ अलग देश है, ये सरकार कुछ अलग देश है, ये प्रधानमंत्री तो वंस इन अ लाइफ टाइम वाले प्रधानमंत्री हैं। तो ये आज का संदेश है कि हम पे भारत की जनता जो है, भारत की प्रजा विश्वास करती है। तो हम कहते हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका विकास, ये आज का संदेश आपने जो आज के लाभार्थी हैं, उनसे भी जो लाभार्थी थे उनका खुद उदाहरण था कि सबका साथ सबका, प्रधानमंत्री का पर्सनल छाप लगा कि बहुत सारे आइडियाज हैं। कल का जो कार्यक्रम जो था, वो कि जो बच्चे जिन्होंने अपने माता पिता को महामारी के समय में खो दिए, उनका आप ही बताइए, मैं दुनिया में मेरे लिए कोई और ऐसा उदाहरण नहीं मिला, किस देश में लोग प्रधानमंत्री उनके बारे में सोचता है और इस अवसर पे उनके लिए एक अलग से कार्यक्रम करता है। कल सचमुच हम सबको रोना आया उनके साथ बैठ के। तो ये कुछ मैं कहूँगा कि हमारा एक किस्म से किस्मत है कि ऐसे प्रधानमंत्री हमें मिले, और इसका तो परिणाम आप देखें। अच्छा सर, ये आज एक खराब घटना ये भी बनी है जम्मू कश्मीर के कुलगांव में, जहाँ पे कश्मीरी पंडित शिक्षिका है, उनको स्कूल में घुसकर आतंकवाद, मैंने देखा, नहीं देखिए, आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई जो सालों से चल रही है, उसमें वो तो जारी रहेगी। ये नहीं है कि आतंकवाद एक दिन में बंद हो जाएगा, पर आतंकवादी भी जानते हैं कि ये सरकार वो पुरानी सरकार नहीं,
कि अगर कुछ हमें करना है हम बिल्कुल करेंगे, और जो आतंकवाद के खिलाफ जो भी हमें कदम उठाने होंगे वो कदम उठाए जाएंगे। तो ये लड़ाई जारी रहेगी, पर हमें वो वहाँ भी विश्वास है कि हम सफल रहेंगे इसमें।